भव्य राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस परिकल्पना को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है बल्कि देश और समाज की समस्याओं के बारे में परस्पर चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ा करके उन समस्याओं से जूझते हुए हम समाज की समस्याओं का मार्गदर्शन का काम और उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे या कहीं से निकलेगा तो अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यालयों से उस चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने का समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का एक माध्यम हमें प्राप्त होगा। और उसके लिए मैं काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि आज उनके पास अपना एक भव्य कार्यालय यहां पर पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शन में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है तो वह एक अवसर हम सबके सामने है जब हम लोग अपने कार्यालयों के माध्यम से चिंतन की अपने मूल्य और सिद्धांतों के बारे में दुनिया के सामने जो आश्चर्य कौतूहल का विषय बना हुआ है उस पर एक नए शोध को आगे बढ़ाने का एक माध्यम उपलब्ध करा पाएंगे। आज के इस अवसर पर विगत वर्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के जो आज के देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 2019 में एक साथ 51 कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के अंदर किया था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी काशी क्षेत्र के इस क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ प्रयागराज के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम भी संपन्न किए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जिन मूल्य और सिद्धांतों के लिए पार्टी के संस्थापक और पार्टी का नेतृत्व निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया है उन्हें मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ेगा और लाभार्थी परक योजनाओं के सभी नागरिकों को भी पार्टी के मूल्य और सिद्धांतों के साथ जोड़ करके हम पार्टी के इस विस्तार को और एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।